बिजनौर के कीरतपुर से दिल को दहला देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपने साथी के साथ मिलकर अपनी ही मां की गला घोटकर हत्या कर दी। इस घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी बेटे को उसका दोस्त स्मैक का धंधा करने के लिए कह रहा था। इस धंधे को लेकर मृतिका ने अपने बेटे को डांट फटकार लगाई थी और गलत धंधा करने से मना किया था, जिसके बाद आरोपी बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही मां की गला घोटकर कुछ दिन पहले हत्या कर दी और शव को पास के ही गन्ने के खेत में छोड़कर चले गए। बिजनौर जिले के थाना कीरतपुर के गांव पीतनखेड़ी में 23 अगस्त को तीज में शामिल होने के लिए आरोपी की मां नौता देवी अपने पिता के घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम तक घर ना पहुंचने पर जब पिता ने अपनी बेटी के ससुराल वालों से पूछताछ की तो पता चला कि महिला सुबह ही मायके के लिए निकल गई थी, जिसके बाद घर वालों ने महिला की खोजबीन शुरू की। दूसरे दिन सुबह महिला का शव घर के पास ही एक गन्ने के खेत में पड़ा हुआ मिला। इस घटना को लेकर एसपी ने एसओजी टीम सहित कीरतपुर के थाना प्रभारी को इस मामले की तहकीकात के लिए लगा दिया था। पुलिस और एसओजी टीम ने सर्विलांस की मदद से इस घटना का खुलासा करते हुए मृतिका के बेटे शुभम और उसके साथी पंकज को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कीरतपुर में 23 तारीख को नौता देवी का एक मर्डर हुआ था, जो 24 तारीख में अभियोग पंजीकृत हुआ था 302 IPC का। घटना का अनावरण किया गया है। जो मारने वाले अभियुक्त है उसका सगा पुत्र शुभम और उसका साथी उसी का सजाती उसी के गांव का पंकज, दोनों ने मिल करके गला दबा करके हत्या किया था। गांव से करीब 250-300 मीटर की दूरी पर गन्ने के खेत में ले जा करके शुभम को पंकज ने इस बैग के धंधे में लगाना चाहता था। उसकी मां ने उसको मना किया। इसको लेकर के काफ़ी विवाद रहता था। उसको रास्ते से हटाने के लिए और इस धंधे में आने के लिए उसने अपने मां को रास्ते से हटाया। सर्विलांस टीम, स्वाट टीम, वहाँ के थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा मेहनत करके अनावरण किया गया है। पुलिस टीम को 15,000 रुपये शिक्षा वर्धन के लिए दिया गया है। शेष लोगों को प्रशस्त पत्र दिया जाएगा। यह एक ऐसी घटना थी जिससे स्थानीय लोगों में काफ़ी राहत लिया, क्योंकि नामजदगी दूसरे लोगों की थी। फिलहाल पुलिस ने इस घटना में आरोपी बेटे और उसके साथी पंकज को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। बिजनौर से फैजल खान की रिपोर्ट, रियल फ्लेवर न्यूज़।